नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, राजस्थान वेटनरी काउंसिल 2023 रिगार्डिंग तीन अपडेट्स, तीन मेजर अपडेट्स हमारे पास अभी तक आए हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, उन खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया था, ठीक है ना। तो बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि राजस्थान वेटनरी काउंसिलिंग, राजूवास काउंसिलिंग के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी अपडेट मैं आपको देता आ रहा हूँ। साथ ही आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगा, ठीक है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट आपको समझाता रहूंगा। आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेना। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ तो, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जान लेते हैं बच्चों क्या है अपडेट फटाफट से। सबसे पहले तो एक रिवाइज नोटिस जारी किया गया है बच्चों, जो गुड न्यूज है वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत गुड न्यूज से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस है गाइस, आप देख सकते हैं 21 जुलाई को का ये नोटिस है। अपडेट जो है अभी वेबसाइट पर किया गया है। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या नोटिस में लिखा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, पिछला जो क्राइटेरिया था राजूवास का, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको नीट 23 जो एग्जामिनेशन है उसमें अपियर होने के साथ साथ क्वालिफाई करना जरूरी था, है ना। अगर आपने नीट 23 का जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है, अगर वो क्लियर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे काउंसलिंग में, ये चीज़ थी। लेकिन अभी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर मेरे क्वालिफाई मार्क्स नहीं है तो मैं क्या जो है अप्लाई कर सकूंगा। तो पहले मैं मना कर रहा था, लेकिन अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। वो जो प्रीवियस आपसे आप देख सकते हैं या नोटिस में, द प्रीवियस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ ऑब्टेनिंग मिनिमम मार्क्स एट द 50 परसेंटाइल एंड फर्दर रिलैक्सेशन इन द परसेंटाइल ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इन नीट UG 23 एग्जामिनेशन इज विदड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ वाला जो क्राइटेरिया था उसको विदड्रॉ कर लिया राजूवास ने। अब जो है, अब से जिन भी कैंडिडेट्स ने नीट 23 क्वालिफाई नहीं भी किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे इस राजूवास काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर पहले अप्लाई नहीं किया हो तो अब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है 18 अगस्त, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो जिनके 137 नंबर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में 137 मार्क्स से अगर बिलो भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम ही है जनरल ईडब्ल्यूएस की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी 137 मार्क्स थी। इसके अलावा SC ST OBC के लिए 107 मार्क्स थी नीट में। तो अगर आपके 107 से बिलो मार्क्स है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, राजूवास काउंसलिंग में। ये आप सभी के लिए नोटिस था। अभी अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो अपडेट है। नेक्स्ट जो अपडेट है गाइज वो आया है आप सभी के लिए NRI कैटेगरी के लिए। जो भी कैंडिडेट्स NRI कैटेगरी या NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए एडमिशन लेना, सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं राजूवास में, तो इसमें जो है आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है 22 जुलाई से, है ना, और लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई। तो जो भी NRI स्पॉन्सर्ड या NRI सीटों के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम है तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5-5-5 सीट है, यानी टोटल 15 सीट जो NRI की है। CVS बीकानेर में 5 सीटें हैं, उदयपुर में भी 5 सीटें हैं, PGIVR जयपुर में भी 5 सीटें NRI की रखी गई है। और यहाँ पर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, देखो इसमें कोई भी डोमेसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अगर आपके पास NRI है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट था NRI कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी प्रीवियस जो भी मैंने आपको बताई थी कंप्लीट, मैं इसके बारे में राजूवास काउंसलिंग के बारे में जानकारी दे चुका हूँ ऑलरेडी, मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर वीडियो नहीं आया, वीडियो आ चुका है, आप चैनल पर जाके चेक करा करो, है ना बच्चों। जैसे अपडेट आता है मैं फटाफट से अपडेट देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप इस चीज़ की तो चिंता करिएगा ही मत कि आपके लिए वीडियो टाइम से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हुए उनको दिक्कत है कि उनको अपडेट नहीं आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुकलेट के बारे में बात कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं आई है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट को फिर से जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करके मॉडिफाई करके आपके सामने पेश किया गया है राजूवास की तरफ से। तो रिवाइज क्या क्या इस बार चेंज किए हैं नए इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, तो देखो मैंने अच्छे से पढ़ लिया पूरे इन्फॉर्मेशन बुकलेट को, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस मेरे को देखने को नहीं मिले, सिवाय जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था उसके अलावा, ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में चेंज किया गया रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इस बार कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नीट 23 में रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे। जो बिना क्वालिफाई किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिन्होंने नीट 23 क्वालिफाई नहीं किया हुआ, वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये चीज़ यहाँ पर चेंज हुई है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी सेम है, सारे सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ओके। इन्फॉर्मेशन बुकलेट को डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकेंगे, ओके। तो ये तीन अपडेट देना था गाइस, आई होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, आप पूछ सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए अपडेट से हम, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।